हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आज फिर से एक नई पोस्ट के लिए जो है रिजल्ट की घोषणा कर दी है। ये रिजल्ट किस पोस्ट के लिए आया है वो ये तो बताऊंगा ही, और साथ ही कल दिनांक 31/10/2018 को भी जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक रिजल्ट की घोषणा की थी। मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया था, तो इस वीडियो में दोनों रिजल्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी प्रकार की हर रोज़ लेटेस्ट अपडेट रिजल्ट से रिलेटेड या भर्तियों से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अब मैं धीरे धीरे SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट की भी वीडियो अपने चैनल पर डालना शुरू करूँगा, क्योंकि SSC से सिर्फ सभी का जो भला नहीं हो पाता, जिस कारण से हम अपने चैनल का दायरा भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। जो हमारा आज रिजल्ट आया वो आया है नोटिस टू कैंडिडेट फॉर सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश। PGT इंग्लिश की पोस्ट के लिए लिस्ट आ चुकी है सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, और जो कल रिजल्ट आया था PGT फिजिक्स का फाइनल लिस्ट आ गई थी। तो पहले PGT फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं। PGT फिजिक्स की कल फाइनल लिस्ट आ गई है। जिन कैंडिडेट का इस लिस्ट में रोल नंबर है उनका सिलेक्शन PGT फिजिक्स की पोस्ट के लिए हो गया है। टोटल 687 वैकेंसी थी, जनरल की 296 वैकेंसी थी। तो हमारी जो कट ऑफ रही है PGT फिजिक्स के लिए वो 117 पे रही है जनरल की, SC की 86 पे रही है, BCA की 94 पे, BCB की 106, BPG की 104। सिर्फ एक ही वैकेंसी थी BPG की, एक्स सर्विसमैन की 107, OH की 109। और ये लिस्ट जो हमारी लगी ही है 200 में से लगी, 160 का रिटर्न था, 24 मार्क्स इंटरव्यू के थे और 16 मार्क्स एक्सपीरियंस के थे। तो कुल मिलाकर हमारी ये लिस्ट रही है, और SBC का रिजल्ट इसमें रोका गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो आज रिजल्ट आया है किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। जिस कैंडिडेट के इसमें रोल नंबर हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो इसमें 649 पोस्ट हैं टोटल। एडवर्टाइजमेंट हमारी 4/2015 है, और इन इन कैंडिडेट के इसमें रोल नंबर आए हैं जिनको सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया है। कहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर मैक्सिमम सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट होती है HSSC की, सेक्टर 2 पंचकूला, बिल्कुल सही, 22 नंबर 67 70, सेक्टर नंबर 2 पंचकूला में आपके सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट होगी। 13/11/2018 से 15/11/2018 तक आपकी ये सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट होगी। जो बच्चा या जो कैंडिडेट स्क्रूटी में भाग नहीं लेगा उसको इंटरव्यू के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, और कोई भी अपॉर्चुनिटी इसके बाद नहीं दी जाएगी, ऐसा कर्मचारी चयन आयोग बोल रहा है। और स्पेशल बैकवर्ड क्लास SBC या BCC कैटेगरी का जो रिजल्ट है माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश अनुसार रोक दिया गया है, उनका रिजल्ट नहीं आया है। 10% टोटल उसमें वैकेंसी थी, तो टोटल वैकेंसी कितनी थी मैं बता रहा था, उसका 10% SBC की है, तो टोटल वैकेंसी 649 है। तो अगर हम इसका 10% निकालें तो लगभग 64 से 65 वैकेंसी SBC की जिनको रोक लिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही अपडेट दे रहा था। अगर चैनल पर नए आए हैं तो ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।